नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने उनके कार्यालय में घुसकर हत्या कर दी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में भी निरुद्ध रहे कमलेश तिवारी अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहे। तिवारी को अपनी जान पर मंडरा रहे खतरे का अंदेशा था और वो सरकार से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी कर रहे थे। कमलेश तिवारी ने नाथूराम गोडसे को देश का सच्चा सपूत बताते हुए सीतापुर में अपनी पैतृक जमीन पर गोडसे का मंदिर बनवाने का भी ऐलान किया था और बीजेपी की आलोचना की थी। 3 दिसंबर 2018 को उन्होंने कहा था कि इस देश में जिन्ना की पूजा की जा सकती है तो गोडसे की क्यों नहीं। बीजेपी अगर हिंदुओं की सरकार होने का दावा करती है तो गोडसेवाद का विरोध क्यों करती है। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए तिवारी हिंदू महासभा से जुड़े रहे और कुछ समय के लिए अयोध्या के राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार भी रहे। पैगंबर साहब पर टिप्पणी के बाद सरकार ने उन पर रासुका भी लगाई थी। तब तिवारी के खिलाफ लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे और विरोध प्रदर्शन किया था। कहा जाता है कि बिजनौर के उलेमा अनवारुल हक और मुफ्ती नईम कासमी ने तिवारी का सिर कलम करने का फतवा भी जारी किया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी। हालांकि योगी सरकार ने कुछ दिन पहले कमलेश तिवारी की सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसके बाद कमलेश तिवारी ने वीडियो डालकर बीजेपी और संघ का विरोध किया था। जब संघ का पदाधिकारी कार्यकर्ता, भाजपा का पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो संघ और भाजपा का है, हम चुप रहे। हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है, ये भले मैं जेल चला जाता हूँ, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूँ इन हराम खोरों के लिए जो मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए हैं, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया। योगी सरकार के आते ही फिर भी मैं लड़ रहा हूं और इन्हें यह दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। कमलेश तिवारी के इस वीडियो से साफ जाहिर होता है वो बीजेपी सरकार के जरिए सुरक्षा हटाए जाने से खासे नाराज थे। कमलेश तिवारी ने बीजेपी पर उनके खिलाफ षड्यंत्र का आरोप भी लगाया था। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। देखना ये होगा कि कब तक हत्या की असल वजह का पर्दाफाश हो पाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।